नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश पंजाब बैंक भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित आपको योग्यता, पात्रता और चयन प्रक्रिया, सैलरी जैसी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी मध्य प्रदेश पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो कि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस भर्ती के अंतर्गत एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम सबसे पहले इस भर्ती के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें PNB बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से इस न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए कुल मिलाकर 2700 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 2024 मुख्य रूप से अप्रेंटिसशिप के पदों पर निकाली गई, जिसमें आप सभी के लिए 2700 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे, इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 30 जून 2024 से कर दिया गया है और आप सभी 14 जुलाई 2024 तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए सर्कल वाइज विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों यदि आप सभी भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी जिले से रहते हो तो आप सभी अपने राज्य के हिसाब से सभी वैकेंसीज की जानकारी इस टेबल के माध्यम से देख सकते होंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी मध्य प्रदेश राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बता दें मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत भी आप सभी के लिए पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 2024 के काफ़ी अच्छे खासे पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसकी जॉब लोकेशन आप सभी के लिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत इस भर्ती की कुल मिलाकर 133 सीट जारी की गई हैं, जिसकी एक एक करके संपूर्ण जानकारी आप सभी यहाँ पर प्राप्त कर सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यदि आप सभी और किसी राज्य से निवास करते हो तो आप सभी उसकी जानकारी भी इस टेबल के माध्यम से प्राप्त कर सकते होंगे। तो दोस्तों यदि अब हम इसके पश्चात इस भर्ती की एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी की मिनिमम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आप सभी की आयु सीमा की गणना 30 जून 2024 तक की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस आयु सीमा के अंतर्गत आपके लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि दोस्तों यदि आप सभी OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी के लिए 3 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिलने वाली है। यदि दोस्तों आप सभी SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी के लिए 5 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी दिव्यांग या फिर विकलांग हैं तो आप सभी के लिए 10 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि अब हम इसके पश्चात एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन को पास किया हुआ है तो आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आप सभी को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। दोस्तों इसके अलावा आप सभी के लिए बता दें मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 2024 के तहत आप सभी के लिए 1 वर्ष की ट्रेनिंग मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिसशिप के पद जारी किए गए हैं और अप्रेंटिसशिप के पदों पर आप सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए 2 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और 50 हफ्ते की आप सभी के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलने वाली है, जो कि दोस्तों इस ट्रेनिंग के दौरान आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा खासा वेतन मिलने वाला है। यदि आप सभी रूरल या फिर सेमी अर्बन क्षेत्र में ट्रेनिंग करते हैं तो आप सभी के लिए 10,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप सभी के लिए ट्रेनिंग के लिए अर्बन क्षेत्र मिलता है तो आप सभी के लिए 12,000 रुपये पर मंथ का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी मेट्रो क्षेत्र के अंतर्गत ट्रेनिंग करते हैं तो आपके लिए 15,000 रुपये का मासिक वेतन मिलने वाला है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन भी प्रोवाइड कराई गई हैं, जो कि अप्लाई करने से पहले आप सभी इन टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी इस भर्ती हेतु रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम आप सभी को pnbindia.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि दोस्तों इस भर्ती के अंतिम चरण में आपको अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाया गया है। इसलिए आप सभी इस वीडियो पर अंतिम तक बने रहिएगा। अब दोस्तों यदि हम इसके पश्चात इस भर्ती के अंतर्गत लगने वाले इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेजों की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप सभी के पास एक वैलिड ईमेल होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और आप सभी के पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आप सभी के लिए आवेदन शुल्क का भी भुगतान करना होगा, जो कि आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे। यदि आप सभी PWD कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी ₹400 आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आप सभी को ₹72 का अतिरिक्त GST शुल्क का भी भुगतान करना होगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आप सभी महिला हैं या फिर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी ₹600 आवेदन शुल्क का भुगतान करके ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी ₹800 आवेदन शुल्क का भुगतान करके भी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी का ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से इस टेस्ट को दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें इस टेस्ट का आप सभी के लिए सिलेबस भी प्रदान किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख ही सकते होंगे इस सिलेबस के अंतर्गत आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहने वाला है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों इस ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट को करने के लिए आप सभी के लिए 60 मिनट का समय मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस टेस्ट को आप सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के माध्यम से दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी के लिए इंग्लिश नहीं आती है तो आप सभी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी हिंदी माध्यम का सिलेक्शन करके भी इस टेस्ट को सफलतापूर्वक ही दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके पश्चात अब हम जानते हैं कि आप सभी के लिए पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 2024 से तो कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों तो इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी के लिए pnbindia.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है, जिसकी लिंक आप सभी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर सिंपली दोस्तों आप सभी के लिए थोड़ा सा यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी के लिए यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर सिंपली आप सभी के लिए इस विकल्प पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर के पश्चात आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी देख ही सकते होंगे इस प्रकार का इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आप सभी के लिए बाएं कोने में शो हो रहे इस मेन्यू बार वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी मेन्यू बार वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से कुछ नए ऑप्शन शो हो जाएंगे, जहां पर सिंपली आप सभी के लिए इस करियर अपॉर्चुनिटी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस करियर अपॉर्चुनिटी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, जहां पर आप सभी के लिए पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटशिप इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए सिंपली आप सभी के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से जानकारी ओपन हो जाएंगी, जहां पर आप सभी के लिए अपने ईमेल को डालकर सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात आप सभी के लिए यहां पर मांग गई एक एक करके सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी मध्य प्रदेश पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 2024 हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं।